Assalamu alaikum. Hi guys, welcome to my channel. I'm back with another new idea of aluminium foil. Basically you can say it new idea, it is kind of experiment that I'm going to do. Aaj dobara hazir hain ek aur new idea ke saath, jisko idea to nahi kahenge, experimentation kahenge, jo ki main aluminium foil pe karungi. First of all, I have taken this heart shape frame. You can order it. तो सबसे पहले मैंने ये हार्ट शेप का फ्रेम लिया है जिसको आप ऑर्डर करके बनवा सकते हैं. विच आई एम गोइंग टू स्प्रे पेंट इट विद ब्लैक स्प्रे पेंट, और इसको मैं जो है स्प्रे पेंट करूँगी ब्लैक स्प्रे पेंट से. वॉट आई एम गोइंग टू डू इन दिस ट्यूटोरियल इज बेसिकली आई एम गोइंग टू ट्राई पेपर क्विलिंग आर्ट. मैं इस ट्यूटोरियल में पेपर क्विलिंग आर्ट को ट्राई करने की कोशिश करूँगी एंड देट सी वॉट वुड बी द रिजल्ट, और हम देखते जाएंगे क्या रिजल्ट निकलता है. सो फर्स्ट आई हैव टेकन 2 इंचेस विथ स्ट्रिप दैट आई एम गोइंग टू कट आउट. अब मैं जो है 2 इंचेस की स्ट्रिप काट के निकाल लूँगी, 2 इंच चौड़ाई की. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई कट्स रैंडमली, और अब जो है मैं इसमें कट लगा रही हूँ, इसे हल्का हल्का काट रही हूँ, और कोई मैंने इसमें मेजरमेंट नहीं ली है. लाइक दिस, लीविंग हाफ इंच स्पेस, और मैंने इसमें जो है आधे इंच की स्पेस ऊपर की तरफ छोड़ दी है. यू गाइस मस्ट फेसिंग इश्यूज रिगार्डिंग माय वॉइस, एक्चुअली आई एम हैविंग फ्लू, सो सॉरी अबाउट दैट. मुझे ज़ुकाम हुआ हुआ है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, जिसका आप लोगों को इश्यू होगा, इसके लिए सॉरी, माजरत. ओके, दिस इज़ टू रिमाइंड दैट इट हैज़ शार्प एजेस, बी केयरफुल अबाउट दैट. ये आप लोगों को याद दिलाना था हमेशा की तरह कि जो है इसके जो है बहुत रफ एजेस हैं, हाथ कट सकता है, तो इसका ख्याल रखना है आप लोगों ने. मोर ओवर इट्स नॉट अ सिंपल फॉइल, इट्स नॉट अ फूड रैपिंग फॉइल, इट्स अ मेटल फॉइल, एल्युमिनियम मेटल फॉइल, एंड इन दिस टेक्निक डेफिनेटली यू विल गोइंग टू नीड अ शीट. नो फॉइल कैंस और टिन कैंस कैन बी यूज्ड. आई हैव टेकन दिस स्टिक, इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल यू कैन यूज पेंसिल, बिकॉज आई एम जस्ट रोलिंग इट. अब मैंने स्टिक ली, और अगर ये स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप पेंसिल यूज़ कर लीजिए, पेन यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हमने सिर्फ रोल करना है. That I'm, for that I have taken this. मैंने इस स्टिक को लिया, put it diagonally, and then start folding it. और इसको fold करना शुरू कर दिया. This. इससे ज़्यादा पतली स्टिक पे ये fold नहीं होएगा. How beautiful it is ready. Ye taiyar hai. Let's make a leaf. Let's cut the leaf out. पत्ते को काट के निकाल लेते हैं.
So I'm trying another thing. So I'm dusri cheez try kar rahi hu. That is inspired by this one. This style. Kyunki this style inspired hai. Because I have to make a flower. Aur mujhe phool lazmi banana hai. So what I'm going to do is cutting that strip diagonally. मैं जो है इस स्ट्रिप को डायगनली काट रही हूँ पहले. नाउ आई एम डूइंग द सेम प्रोसीजर एज लाइक द फर्स्ट वन. अब मैं पहले वाले की तरह का सेम प्रोसीजर कर रही हूँ बट आई एम कटिंग द थिन स्ट्रिप्स. अब लेकिन मैं जो है उसमें चौड़ा चौड़ा काटा था, इसमें पतले स्ट्रिप्स काट रही हूँ. Now I have taken this bead और मैंने अब ये bead लिया है for the center of the flower, फूल के center के लिए. Applying some glue, UHU. अब मैं कुछ glue apply करके I'm wrapping it, मैं इसे wrap कर रही हूँ. Apply glue on it. अब जो आपने glue apply कर दी एंड स्टार्ट रैपिंग इट फ्रॉम द शॉर्टर साइड. और छोटी साइड की तरफ से आपने इस बॉल के ऊपर उसे रैप करना शुरू कर दिया. Ready. This time I'm thinking to give it the touch of gold color. For that I'm using fabric gold, pearl fabric color. उसके लिए मैं pearl fabric color use कर रही हूँ. इस दफ़ा मैं इसको gold touch देना चाह रही हूँ and I have taken dull gold. और मैंने इसके लिए dull gold लिया है. इस पे पेंट कर रही हूँ. ओके गाइस, लेट्स पेंट द कॉर्नर्स. अब आप जो है कॉर्नर्स को पेंट कर देंगे विद गोल्डन पेंट. गोल्डन पेंट से आप इसके कॉर्नर्स को पेंट कर देंगे. आई एम यूजिंग कॉटन फॉर दैट टू गिव इट अ रफ लुक. मैं जो है इसके लिए कॉटन यूज कर रही हूँ रफ लुक देने के लिए. लेट्स स्टार्ट पेस्टिंग देम. अब जो है हम इसको पेस्ट करना शुरू करते हैं. फॉर दैट आई एम यूजिंग हॉट ग्लू गन. और उसके लिए मैं हॉट ग्लू गन यूज कर रही हूँ. Now I'm preparing thin strips. अब मैं जो है पतली पतली strips तैयार कर रही हूँ to work at the other side of the heart shape frame. ताकि जो दूसरी खाली जगह है मैं उस पर जो है काम करूँ, उस पर इसका डिज़ाइनिंग दे सकूँ. For that I'm just pressing the tip of my scissor. इसके लिए मैं सिर्फ अपने सीजर के जो है एंड के जो नोक है उससे दबा रही हूँ. जस्ट टू क्रिएट अ डिज़ाइन ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिप.
एक सीधी सी पतली सी पट्टी पर एक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए लाइक दिस. आई एम गोइंग टू पेस्ट दीज स्ट्रिप्स. मैं जो है इन स्ट्रिप्स को पेस्ट करूँगी. फॉर दैट आई एम यूजिंग UHE ट्यूब और इसके लिए मैं UHE ट्यूब यूज़ कर रही हूँ. ता-दा, इट इज़ रेडी. ये तैयार है. होप यू गाइज लाइक द ट्यूटोरियल. उम्मीद द ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सी यू गाइज इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल. टिल देन अल्लाह हाफिज़.